उत्तराखंड हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में जनता इंटर कॉलेज के सामने स्थित बारात घर को तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं सैकड़ों टाउन वासियों ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। लोगों ने ईओ अजय अष्टवाल नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर को भी शिकायती पत्र देकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि आज मंगलवार को नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर निवासी आपको बता दें कि आज मंगलवार को नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर निवासी सनवर अली और दिलशाद अली के नेतृत्व में सैकड़ों नगरवासी उपजिलाधिकारी लक्सर गोपाल चौहान से मिले, जिसमें उनके द्वारा लक्सर एसडीएम गोपाल चौहान को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज के सामने करीब 25 वर्ष पूर्व एक बारात घर बनाया गया था। इसमें गरीब मजदूर लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम शादी जन्मदिन आदि करते चले आ रहे हैं। नगर पंचायत अधिकारी अजय अष्टवाल अब इस बारात घर के स्थान पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बारात घर तोड़ा गया तो गरीब लोग अपने कार्यक्रम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में उन्होंने नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के ईओ को भी प्रार्थना पत्र देकर बारात घर को नहीं तोड़वाए जाने की मांग की है। वहीं नगरवासियों ने कहा है कि जबरन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य शुरू हुआ तो हम अपनी जान तक दे देंगे और लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जो पीछे आपको बारात घर दिख रहा है, ये सार्वजनिक बारात घर है जो लगभग 25 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व विधायक हाजी तस्लीम अहमद जी ने बनाया था और यहाँ की गरीब जनता इसमें अपने आयोजन करती आ रही है। और पुराने जो हमारे ग्राम प्रधान है श्रीमती तैयबा नाज, उन्होंने बस 2020-21 में इसका 5 लाख रुपए से सौंदर्यीकरण कराया, लेकिन वर्तमान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर श्री अजय अस्तवाल जी ने अपने उच्चाधिकारियों को भ्रमित करते हुए एक झूठी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ये जो ये है ये खंडर है और ये निष्प्रयोज्य है, इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ, जबकि हम लगातार 500 रुपये देकर इसकी रसीद कटाकर अपने आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती इसमें ताला लगा दिया, हमें आयोजन करने से उन्होंने महरूम कर दिया है, वंचित कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की ना हमारी कोई मांग है न जनता की कोई मांग है। वो जन सुविधा को समाप्त करना चाहते हैं, जन भावना के विरुद्ध इसको तोड़ना चाहते हैं। हम बारात घर को बचाना चाहते हैं ताकि हमारे सारे गरीब लोग, इस मोहल्ले के लोग, इस क्षेत्र के लोग इसका सदुपयोग कर सकें, इसका प्रयोग कर सकें, परंतु ये साहब नहीं मान रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों को भ्रमित कर दिया है। आज सभी लोग, आज जो है नगर पंचायत सुल्तानपुर के सभी लोग आज इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने एक ज्ञापन जुलूस के रूप में हम गए नगर पंचायत, और नगर पंचायत में जो उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि था उसको हमने ज्ञापन सौंप के ये मांग की कि हमारा जो बारात घर है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। यदि अगर ये उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा विरोध होगा, और हम ये चेतावनी के रूप में ईओ साहब को कहना चाहते हैं कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये नगर पंचायत इसको तोड़ पाएगी। जब तक हम जिंदा हैं हम इसका विरोध करेंगे, और यहाँ की जितनी मर्जी लाशें बिछ जाएं हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि यही हमारे पास एकमात्र संपत्ति है सार्वजनिक जिसका हम सब उपयोग करते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।